हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 4.3। ये कक्षा 10 के लिए है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 2x² - 7x + 3। इसका फार्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। तो अगर हम बी की जगह 7 का वर्ग करें, -4 की जगह 4, ए की जगह 2 का वर्ग 2 और सी की जगह 3 गुणे, तो 7 का वर्ग करेंगे तो जगह 7 × 49 -4 × 8 = 24। को इसमें से घटाएंगे, 9 से 4 गया 5, 4 से 4 गया 2, हो गया 25। ये 25 प्लस है इसलिए ये इसका अस्तित्व है। जिसका मान प्लस में आएगा, जैसे डी बराबर 0 या फिर प्लस, और या फिर कुछ भी मान सकते हैं, +1, +2, +3। अगर प्लस में आए तो उसका अस्तित्व होगा, अगर वो भी माइनस में आए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, और 0 का भी अस्तित्व होता है, तो इसलिए इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। तो यहाँ हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा उसी नंबर से हम सब में भाग कर देंगे। 2x² मैं यहाँ 2 से भाग कर दिए, -7x/2 +3/2 = 0 कर देंगे। ऊपर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा x² - 7/2x + 3/2 = 4। और यहाँ पे हो जाएगा, ये अचर पद को एक साइड करेंगे और इसको उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x² - 7/2x = ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जाएगा -3/2। तीन बटे दो हो गया। अब यहाँ में इसको कर लेते हैं, ये इसमें सब में हम जो ये है बी का मान, इसमें हम 1/2 से गुणा कर लेंगे, तो 7/2 है, इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो जगह 7 × 7 = 2 × 4, इसका वर्ग कर देंगे, जगह 7 × 49 = 16। अब ये जो 49/16 आया है, इसमें इस साइड भी 49/16 से और इस साइड भी 49/16 से, बोले तो दोनों साइड 49/16 से 16 को जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा x² - 7/2x + 49/16 = -3/2 + 49/16। यहाँ हो जाएगा x - 7/4 वर्ग = यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा माइनस, माइनस है तो माइनस 2 × 8 = 16 + 8 = 24 प्लस है तो प्लस, 16 × 16 = 49 अब यहाँ हो जाएगा x - 7/4 वर्ग = इसको इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस, घटेगा तो हो जाएगा 25/16। यहाँ से अंडर रूट, यहाँ से स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट जब हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा, यहाँ अंडर रूट जब हटाएंगे तो यहाँ 25 का 5 हो जाएगा और यहाँ 16 का 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। अंडर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, 25 का 5 और 16 का 4 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, 7/4 =
प्लस माइनस 5/4। अब ये एक्स को इधर ही रहने देते हैं और ये जो माइनस 7/4 है उसको उधर भेजेंगे तो जाएगा प्लस 7/4 प्लस माइनस 5/4। ये जो प्लस माइनस 5/4 है ये 7/4 में एक बार प्लस से लिख ले, एक बार प्लस कर लेते हैं एक बार माइनस कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 7/4 प्लस 5/4 कॉमा 7/4 माइनस 5/4। एक बार प्लस में लिख लिया एक बार माइनस में लिख लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 एक कम 4, 1 7 7 प्लस 4 1 कम 4, 1 5 5। इसका एलसीएम लेंगे 4, 4 1 कम 4 माइनस 5। इसको इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 12, 12/4 और 7 में से 5 गया हो जाएगा यहाँ पे 2/4। इसको काटेंगे हो जाएगा 4, 4 1 कम 4, 4 3 12 इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 2 4 तो यहाँ पे हमारा बचेगा अब 3/1 लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं कॉमा 1/2। तो ये प्लस में आया है इसलिए ये इसका पूर्णांक होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस 7x प्लस 3 का मूल है। यही हो गया हमारा आंसर।